डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान। इसमें मुख्य रूप से तीन कार्य होते हैं। शोध का कार्य होता है, मूल्यांकन का भी, जो सरकार की योजनाएं चल रही है उसके मूल्यांकन का कार्य होता है, और यहाँ पर कार्यशाला एक वो समय समय पर आयोजित की जाती है। इन कार्यशाला के ये माध्यम से जो हमारा शोध है या हमारा संस्थान है, लोग जान सके कि जनजातीय संस्कृति में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र पाए जाते हैं, कितनी तरह की आभूषणों का निर्माण किया जाता है, या लकड़ी के कितने सारे सामान होते हैं। फिलहाल ये तीन कार्यशाला यहाँ पर अभी चल रही है। जैसे अभी काफ़ी सारे विजिटर्स भी आए थे तो उनको आश्चर्य हुआ कि मांदर के इतने सारे प्रकार होते हैं। यहाँ पे हर जनजाति के अलग अलग ढंग के मांदर होते हैं, अलग अलग बनावट के मांदर होते हैं, जिनका साइज और जिनका में प्रयुक्त होने वाली सामग्री वो भी अलग अलग होती है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी बहुत सारे वाद्य यंत्र है, वो भी जानने का मौका मिल रहा है यहाँ लोगों को, जो लकड़ी के बने हुए काफ़ी सारे हैं। और ये जो भी बनेंगे यहाँ पर सामग्रियाँ, तो इनको हमारा जो संग्रहालय है, यहाँ पर जनजातीय संग्रहालय है, उसमें संरक्षित सुरक्षित रखा जाएगा। तो एक तरह से ये जो वाद्य यंत्र का एक परंपरा चली आ रही है उसको भी एक संरक्षित रखने का एक माध्यम ये कार्यशाला है। वाद्यों को फिर से पुनर्जीवित करने की इसलिए ज़रूरत है कि एक तो इसके जो कलाकार हैं स्थानीय कलाकार लोग हैं और कई लोग मिलकर बनाते हैं। अधिकांश वाद्य एकल नहीं है, कुछ वाद्य एकल भी बना लेते हैं, लेकिन अधिकांश कई लोगों के मिलकर बनाने से ही बन पाता है। उदाहरण के तौर पर मांदर को लीजिए। मांदर का खोल जो होता है प्रायः मिट्टी का होता है और कुम्हार उसको दो टुकड़े में, बड़ा मोटा और पतला दो हिस्से में बना करके उसको चाक से बनाता है और उसको सुखाता है। हल्का सूख जाने पर दोनों को मिलाकर पीट कर उसको जोड़कर एक बड़ा खोल बनाता है और जब वो पूरी उसके बाद पकाता है और पकाने के बाद वो उसको रंगता है और रंगने के बाद उसमें चीरी बाधी बांधता है अंदर का गोलाई में पूरे में। उसके बाद वो चमड़े के लिए मोची के पास जाता है, वो चमड़ा बना देता है, तैयार कर देता है, फिर उसको रंगने का काम एक करता है और चौथा आदमी उसको छारने का काम, अर्थात मांदर को पूरा फिट करने, चमड़ा बाधी और खोल ये सब का संतुलित निर्माण करता है और उसमें फिर खरन लगाने का काम, धापी की ओर और तुंग की ओर अलग अलग लेप लगाते हैं कई प्रकार के भात से और कुछ चूर्ण मिला करके, लाल हरा नीला पीला, और जो तुंग वाला हिस्सा है वो चिकना होता है लेप, लेकिन जो थापी वाला है वो थोड़ा खुरदुरा होता है, इसलिए उधर की आवाज़ धुर्र और इधर वाला तुंग, मीठी आवाज़ है, एक में मोटी आवाज़। हमारा जो पारंपरिक है सदियों पुरानी है और कितने संघर्ष के बाद, कितने उसमें प्रयोग करने के बाद ये सब वाद्य बने हैं। और उस पर भी देखिएगा कि जो भी, जैसे मांदर का उदाहरण के लिए दे रहे हैं, जितनी जातियाँ हैं मांदर के आकार प्रकार में, उसकी गोलाई में, उसकी लंबाई में थोड़ा थोड़ा अंतर आ गया है। जैसे हमारा पंच परगनिया मांदर है, खोरठा मांदर है, कुरमाली मांदर है, वो एक फीट सवा फीट से ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन मोटाई और गोलाई पूरी रहती है। लेकिन वहीं पर हो मांदर और संथाली मांदर की लंबाई और उसकी गोलाई कम होती है, सबसे कम होती है हो का, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है संथाली का, उससे थोड़ा बड़ा होता है मुंडाओं का, उससे बड़ा होता है पुराओं का मांदर, और उससे बड़ा होता है खड़िया मांदर, और उससे बड़ा होता है जसपुरिया मांदर। अंगुल अंगुल का कुछ का अंतर है। तो मोटे तौर पर एक फीट से लेकर के तीन फीट तक के मांदर देखने के लिए मिलते हैं। प्रायः तीन फीट से ढाई फीट तक का मांदर ज़्यादा प्रयोग करते हैं ताकि छोटे बड़े सभी बजा सकें। उसी तरह बानम का प्रयोग, बानम का ज़्यादा प्रयोग मुंडा संथाल हो इसमें ज़्यादा होता है। सारंगी का प्रयोग लगभग सभी करते हैं, लेकिन ये एकल वाद्य में ज़्यादा, वो तेज बाजों के बीच में
सारंगी की आवाज़ खो जाएगी, इसलिए उसका प्रयोग कम होता है। विशेषकर मुंडाओं के खूंटी के पूर्वी क्षेत्र जो हसदा मुंडारी क्षेत्र है, वहाँ ढोल और नगाड़े का प्रयोग ज़्यादा है, मांदर का प्रयोग नहीं। लेकिन पश्चिमी क्षेत्र, खूंटी से जो पश्चिमी क्षेत्र है या नागौरी मुंडारी क्षेत्र है, वहाँ मांदर का भी प्रयोग होता है। और पूरे झारखंडी नृत्य संगीत में अगर वाद्य का सबसे प्रिय वाद्य अगर, तो लोकगीतों में सबसे ज़्यादा प्रयोग मांदर का हुआ है। जैसा कि वाद्य यंत्रों को चार श्रेणियों में बांटा गया है वाद्य जगत में, वैसे झारखंड के भी चारों वर्ग के वाद्य। पहला में जो पीट कर बजाए जाते हैं, वो पीट कर बजाए जाने वाले वाद्यों में नगाड़ा, ढांक, ढोल, ढोलक, ढोलकी, मांदर, ये सारे पीट कर बजाए जाने वाले। उसी तरह फूंक कर बजाए जाने वाले में, जैसा कि अभी हमने बताया, बांसुरी, मुरली, मोहन बांसी, तिरियो, जोड़ा मुरली, भेर, नरसिंघा, सखवा, शंख, ये सारे फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य। और तीसरा प्रकार जो वाद्य है वो तार वाले वाद्य। तार वाले में कुछ को अंगुली से या किसी उपकरण से छेड़कर बजाते हैं, या तो धनुष से या गज से, घोड़े के बाल से बने हुए, उससे रेत कर बजाते हैं। और इस वर्ग में हमारा सबसे बढ़िया वाद्य यंत्र है सारंगी, बानम, टोहिला, केंद्रा, केंद्री बानम, ओर बानम और तंबूरा, एकतारा, ये सब का प्रयोग तार वाले में होता है। और चौथे प्रकार का है जिसको हिलाकर, टकराकर लोग बजाता है, जिसमें घुंघरू, घुंघरा, करताल का प्रयोग होता है, झांझ का, मंजीरा का, झाल का, और ये बड़े बड़े घुघरा होते हैं जो कमर के पीठ की ओर तीन कतार में चमड़े के बेल्ट पर बंधे होते हैं, पैरों में पहनने वाले छल्ले जिसको गोड़ाम या पैंजन बोलते हैं, उसी तरह पैरों में घुंघरू का बेल्ट भी बांधते हैं। और इसके अलावे ठेचका, फेचका जो बांस का बना होता है और ठेचका लकड़ी का बना होता है, जोड़े में भी, क्रॉस में या सिंगल वाले, इसको खींच खींच कर बजाते। एक कहावत है कि वाणी का श्रृंगार है गीत, और गीत का सौंदर्य है नृत्य, और नृत्य का माधुर्य है वाद्य। मैंने इसलिए कहा कि हम जो बोलते हैं, विशेषकर झारखंड की जितनी भाषाएं हैं, उनकी बोलियों में मधु का सा मधुरता है। झारखंड एक ऐसा सांस्कृतिक प्रदेश है जहां दिन भर खेत खलिहान में, जंगल पहाड़ में अपना जो मजदूरी उनका काम है वो करते हैं, और रात्रि को पहले पहर से आधी रात तक अपने थकान उतारने के लिए पूरे गांव के लोग, उसमें भाई बहन, बेटा बेटी या जात प्रजात जो भी है उस गांव में रहने वाले, सब एक साथ मिलकर गांव के अखरा में सामूहिक रूप से, बिना किसी भेदभाव के, कि वो छोटा है कि बड़ा है कि अछूत है, छूत है, यहाँ तो होता ही, कोई शूद्र नहीं होता, कोई अछूत नहीं होता, सब समान है। राजा और प्रजा, जब राजा प्रजा थे तो राजा प्रजा साथ नाचते थे, धांगर और घुमके मन मालिक और सेवक, वो दोनों साथ नाच रहे हैं। गांव की सारी महिलाएं, चाहे जिस नाते रिश्ते की हो, सारे पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जो छोटे छोटी बच्चियां होती हैं, वो बड़ी बहनों के साथ या माताओं के साथ उनका हाथ पकड़ करके
अपने पैर को डुलाते डुलाते वो कब नाचने की प्रवीण हो जाती है पता ही नहीं चलता। और इतना ही नहीं, जब माँ अखरा में नाचने के लिए जाती है तो अपने पीठ पर छोटे बच्चा भी छोटा है तो पीठ पर बेतरा करके या पीठ पर बांध करके नाचती, और बच्चा उस माँ के नाचने के साथ साथ पीठ पर बंधा हुआ बच्चा भी दोलायमान होता है, और इस तरह से बच्चे को बड़ा सुख मिलता है, जैसे वो झूले में झूल रही, माँ नाच रही है और बच्चे को आनंद सुनने का, गीत भी सुनाई पड़ रहा है, बाजा भी सुनाई पड़ रहा है और नृत्य के साथ वो दुलायमान हो रही है। तो तीनों चीज़ बचपन से ही मिल रहा, अभी बहुत बच्चा है अभी सब, लेकिन उस अवस्था से ही वो नृत्य संगीत का एक तरह से उसके मानस में, उस बच्चे के मानस में वो सब चीज़ डाला जाता है। नाचना गाना बजाना, ये तीन में से किसी ना किसी एक का कलाकार तो होगा ही, सभी बजाना नहीं जानते, सभी गाना भी सबका सुर में गा नहीं सकता है, लेकिन नाचना तो यहाँ हर कोई जानता है। इसीलिए गांव के अखरा या मेला जत्रा में दर्शक और कलाकार के बीच में कोई सीमा रेखा नहीं, कोई दीवार नहीं। कला है हमारे जीवन से बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं, और न केवल वे हमारे मनोरंजन के माध्यम हैं बल्कि ज्ञान वृद्धि का भी माध्यम है, और कई बार हमारे जो कल्पनाओं को है उसको भी नया आयाम देती हैं। जैसे मैं छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, जब हम लोग छोटे थे तब लोग गांव में कटहल के पत्तों से हल बैल बनाते थे, हल बैल बना के, तो इससे क्या होता था कि हम भविष्य में हमें हल बैल कैसे चलाना है उसकी कल्पना करते थे। उसी तरह कुछ कटहल के जानवर वगैरह बना के सुअर शेर वगैरह सब बनाते थे, हिरन वगैरह बनाते थे, और उसका शिकार करने की गतिविधि को दिखाते थे। तो इस तरह क्या है कि हम बचपन से ही अपने जंगल में कैसे जुड़े रहना है, किस तरह से क्या करना है, उसके बारे में एक परिचय प्राप्त करते थे। तो लड़कियां होती थी तो लड़कियां वो कटहल के पत्तों के गुड़िया वगैरह बनाया करते थे, छोटे पुतला वगैरह सब, तो उनको उससे अपने भविष्य में कैसे जीवन यापन करना है उसके बारे में एक संस्कार बचपन से ही इन छोटे छोटे कलाओं के माध्यम से मिलता था। तो एक छोटा उदाहरण है, लेकिन जैसे अब हमारे यहाँ तो झारखंड में बहुत सारे कलाएँ हैं, है ना, कोहबर कला है, सोहराई कला है, फिर इधर जादोपेटिया कला है, इधर डोकरा कला है, और जो हमारे गांव में जैसे खास करके उरांव समाज में जो है क्या कि लिपते थे पहले, तो जो पहले जो लिपते थे वो गोबर से लिपते थे, कई बार होते थे कि पुआल को जलाकर काले रंग से लिपते थे, नगड़ा मिट्टी पोतनी मिट्टी वगैरह से रुकते थे, तो और जो घर का जो सजावट होता था बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था पहले, आज से 60 के पहले मैं देखा करता था। लेकिन ये अब कला इधर हमारे तरफ खोती हुई नज़र आ रही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि संताल समाज, संताल इलाके में अभी भी जो संताल समाज ने अपने जो पेंटिंग के कला, सोहराई कला है, या इसको उन्होंने बचा कर रखा हुआ है, और बहुत सारे अभी जमशेदपुर या दुमका के पास आसपास कई सारे ऐसे गांव हैं जो अपने कलाओं को, ये सोहराई कला के जो पेंटिंग है उसको उन्होंने बचा के रखा है और घर को बहुत ही खूबसूरत इसको बचा के रखा है। इसके अलावा एक संताल समाज में जादोपेटिया पेंटिंग, तो ये जादोपेटिया पेंटिंग क्या था कि जादोपेटिया पेंटिंग के माध्यम से उनको आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी, है ना, कि उनके जीवन में क्या हो रहा है या भविष्य में क्या होगा या मृत्यु के बाद क्या होगा। लेकिन अभी मैंने क्या देखा कि इस जादोपेटिया पेंटिंग को कुछ लोगों ने आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए भी उसका उपयोग किया है ना,
जैसे कि शिक्षा की उपयोगिता क्या है, साक्षरता की उपयोगिता क्या है, स्वास्थ्य का उपयोगिता क्या है, इस तरह से ऐसे कई छोटे छोटे उन्होंने जादूपेटिया कला को आधुनिक संदर्भ में जोड़ के उसको नया आयाम देने का प्रयास किया है। और अभी क्या हो रहा है कि हमारे नौजवानों में एक नया ट्रेंड चला है, एक नया रुझान उन लोगों के अंदर विकसित हुआ है कि वो अपने जड़ों की ओर लौट रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे अपने लोक कथा, लोक गीत, वाद्य हुआ, अपने परिधान हुआ, गहने हुए, ऐसे सारे अपने खाना वगैरह, तो ये सारे चीज़ों की अपनी पुरानी कलाएँ हैं, तो इन सारे चीज़ों के ओर वो लौटते हुए दिख रहे हैं, उसको फिर से हम लोग पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि एक छोटा सा ये युवा वर्ग है वो अपने जड़ों से लौटने के क्रम में हो सकता है कि ये जो हमारी जो पुरानी चीज़ें, जो कलाएं जो लुप्त हो गए थे, उसको वो लोग नया अर्थ देंगे, नया आयाम देंगे, मुझे ऐसा लगता है। ये हमारे दूसरे जो हमारे एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट है या क्या बोलते हैं, ट्रैवल एंड रीजनल लैंग्वेज है, वहाँ भी इस तरह के कार्यक्रम वगैरह होने चाहिए। और कुछ दूसरी संस्थाएं हैं वहाँ भी, अगर उनको सहयोग मिले और दूसरी संस्थाएं हैं, तो ये जो हमारी जो आदिवासी कला है उसको फिर से महत्व मिलेगा। और तो वैसे हम लोग खानदानी पेशा है हम लोग का, ये हमारे दादाजी पिताजी, तो हम लोग भी घर में ही सीखे है ना, घर से ही सब कुछ चल रहा है। अब सारा जेवर हम ही लोग अपने से सब तैयार करते हैं। जैसे अभी हम लोग को ये बनाना पड़ा हौसली है ना, ये हौसली है और ये हौसली है, ये पैरी है, ठीक है, ये है टाड़ हम लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं बेरा, ठीक है, ये छड़ा बोलते हैं इसमें, ये चूड़ी बोलते हैं सर, ये बांगुरी बोलते हैं, ये हो गया पछुआ, ठीक, ये बेरा हुआ, चूड़ी हुआ है ना, ये लोला हुआ, अंगूठी हुआ, बिछिया हुआ, अंगूठा, बिछिया हुआ, चंद्रमा हुआ है ना, खेचा चंद्रमा हुआ है ना, ये सिक्का हुआ सर, हम लोग को सिक्की बोल देते हैं, ये हुआ बेरा, ये चूड़ी हुआ, इसको बोलते हैं कनपासा सर, ये अंगूठी है, ये हुआ मदौली, ये टीका हुआ सर, ये मदौली हुआ, ये सीता हार इसको बोलते हैं, ये लॉकेट है, ठीक है, ये सिक्की हुआ सर, सिक्की मान, इमृति हुआ, इसको बोलते हैं कमर चाबी, ये जितिया हुआ सर, इसको कमर धनी, ये बाला हुआ, ये जितिया हुआ सर, ये
सिंगल माला बोलते हैं इसको, सिकड़ी। अच्छा ठीक है, आप पीछे हो जाइए। हाँ, ये हुआ खोंगसो भी है, इसी में सेट किया है। यहाँ से इसको लगाइएगा, लगाइएगा अपने से, इसको ऐसे करके, इसको ऐसे खोलिए लो। इसको ऐसे हम लोग लगाते हैं, पीछे हो जाइए पीछे। ये सिक्की हुआ, पहनिएगा, पहनिएगा, इसको बड़ा हो जाएगा, ऐसे साइज पूरा हो जाएगा। ये इसको ब्लाक बोलते हैं सर, ये जो पहन रही है इसको हम लोग ब्लाक बोलते हैं। यहाँ पहनना है, इसको सटा दीजिए। ये ब्लाक हुआ, फिर ये कमरधनी हुआ, कमरधनी हुआ, इस टाइप का हम लोग इसको लगा के इसको लगाते हैं, ठीक है। ये कमरधनी हुआ, ये कमर चाबी देखें, ठेला दे, ठेला पहले, हाँ ये पिछुआ हुआ, घुमा दीजिए नीचे। अच्छा चलिए, इसको हाँ इसको नीचे कर दीजिए। ये पिछुआ हुआ, ये जो हुआ ये बंगुरी हुआ, इसको हम लोग ठेला बोलते हैं, ये जो बाला ठेला, हाँ इसको हम लोग आगे पहनते हैं, यहाँ पहनने की, ठीक है। और ये इसको बांकी सिकड़ी हम लोग बोलते हैं, तीन लरवा हुआ, बांकी सिकड़ी पहनिएगा, पहनिए, नहीं निकाल, गिर रहा है, इसको पहन लीजिए। इसको सीधा कर लीजिए, इसको मटरदानी सिकड़ी हम लोग बोलते हैं, ये सब संथाल में चलता है अधिकतर, नहीं आदिवासी भी लोग अब पहनते थे पहले। अच्छा खुलता भी है? हाँ खुलेगा, ऐसे अगर बनता है तो पहन लीजिए, ऐसे खुलने का भी है इसका सिस्टम, ठीक है। देखिए अगर घुस जाता है कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। ये पायल हुआ सर, ये पायल हुआ सर, ये सिक्की हुआ, फारसी का है लिखा हुआ पूरा, सिक्की जो बना हुआ है ये फारसी में लिखा हुआ है। फारसी जानते नहीं, बहुत पहले बहुत पुराना ये चलता था, ये जो भी लिखा हुआ है सब फारसी में है। ये हम लोग का एक सांचा रहता है जिसमें हम लोग इसको बनाते हैं, ये बहुत बहुत पुराना है, अब तो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा है, लेकिन पहले खूब पहले यही पहनता था। जो हम लोग सिक्के दिखा रहे हैं वो सिक्के से पहले इसको पहनते थे। ये पैर का बिछिया हुआ, ये पैर का बिछिया हुआ, ये लोला हुआ, मुंडा समुदाय में, ये अंगूठा हुआ सर, शादी में पहनते हैं लोग जो अंगूठा, पैर का जो ये अंगूठा होता है, ये बड़ा साइज का हुआ, ये सब उंगली के लिए है, दूसरा उंगली के लिए है। बिछिया ये दूसरा उंगली में पहना जाता है,
ये स्पेशल इसके लिए ही बना होता है। ये तो दूसरा तीसरा उंगली में भी पहना जा सकता है, लेकिन क्या है गले में? नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ ये हौसली चमेल भी बोलते हैं इसको, सही है ना इसको? ठीक है ठीक है, इसको पैरी बोलते हैं। आगे कर लीजिए। हाँ इसको नहीं बन रहा है आपका ना, इसको भी वैसा ही पहन लीजिए। ये आगे का है ये पैरी हुआ सर, जिसको मुंडा समाज में आंधू भी। अभी तो धीरे धीरे ये सब लुप्त होते जा रहा है, अब तो नया नया चीज़ खोजते हैं लोग। वेट में भी कमजोरी, वेट में भी कमी आ गया है। ये सब हम लोग का वेट जैसे 200-250 ग्राम में बनता है, अब तो आदमी इतना लगाना चाहता नहीं है लोग। अब तो चाहता है कि कम से कम में हमारा 20 ग्राम में बन जाए, 50 ग्राम में बन जाए। मतलब धीरे धीरे हम लोग का ये जो पुराना जितना भी आइटम है ये मतलब लुप्त होते जा रहा है, इसको वजन भी और डिजाइन भी। अगर हम लोग को बाज़ार मिले सर, तो हम लोग यहाँ के जो झारखंड के जो पहले जेवर थे पुराने, वो हम लोग फिर से ये कर सकते हैं सर, बना सकते हैं, उसको अस्तित्व में ला सकते हैं। अगर कुछ वैसा हम लोग के साथ सहयोग झारखंड सरकार और यहाँ के निदेशक महाशय सब अगर कुछ हम लोग को सहायता करते हैं, बढ़ावा कुछ देते हैं, तो हम लोग फिर से वजूद में लाने का कोशिश किए हैं और करेंगे सर। आने वाली पीढ़ी जो है इसको देखे सुने कि पहले आज 100 साल पहले 50 साल पहले क्या पहनते थे लोग, हमारे पूर्वज हमारे जो ये हैं, तो उसी चीज़ को फिर से हम लोग लाएंगे, तब जानकारी फिर आने वाली पीढ़ी को होगी सर। पहले के ज़माने में जो हमारा आदिवासी समाज था उसमें गहने एक सिर्फ पहनने के लिए नहीं थे, उसका एक मतलब भी होता था। उस समय देखा जाए तो जो गहने थे आपकी धार्मिक आस्था को भी दर्शाते थे, आपकी पहचान को दर्शाते थे, आपके सोशल स्टेटस, आपका समाज में कितना ऊंचा दर्जा है उसको भी दर्शाते थे, और पूंजी की तरह भी उसको इस्तेमाल करते थे। जैसे पहला देखा जाए धार्मिक आस्था, जब एक बच्चे का जन्म होता है, फिर उसके बाद एक संस्कार होता है कर्ण वेद का, जिसमें कि बच्चे के कान को भेदा जाता है, उसका कान भेदी होता है। तो उसका एक अर्थ है कि ये बच्चा अब, जैसे मेरे मुंडा समाज में हो गया, ये बच्चा अब इस समाज में आ चुका है, इस समाज का एक मेंबर की तरह उसको देखा जाता है। तो उसे एक कनौसी की तरह पहनाया जाता है, जो सीधा रहता है, तांबे या पीतल का रहता है, जो कान में डाल के फिर उसको घुमा देते हैं, उस तरह का होता है। फिर विवाहित महिलाओं के लिए एक कहा जाता है एक कड़ा जैसा होता है, जैसे मेरा है, तो जब वो अपने घर से विदा होके अपने ससुराल जाती है, तो उसे उस दरवाज़ा से घुसाने से पहले उसे ये कड़ा पहनाया जाता है। मुंडारी में हम लोग इसको बोलते हैं मेड़ेन साकोम, मेड़ेन मतलब लोहा, साकोम मतलब चूड़ी बोल सकते हैं। तो ये एक चीज़ है, ये एक आभूषण है जो आपको किसी जौहरी के यहाँ नहीं मिलेगा, ये एक लुहार बनाता है। शादी से पहले लुहार इसको, वो भी ऐसे ही नहीं बना देता है, उपवास करता है, एक कहते हैं ना पूजा की तरह एक इसको बनाने का एक प्रोसेस होता है। तो फिर कहेंगे पहचान के लिए, अब हर समाज का एक अपना अलग तरीका होता है खुद को दर्शाने का दूसरे समाज को, तो अपने तरीके से वो कान में कुछ पहन रहे हैं, अपने नाक में कुछ पहन रहे हैं, पैरों में कुछ पहन रहे हैं, तो एक पहचान बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है हर जाति हर ट्राइब के लिए। तो फिर है कि सोशल स्टेटस हो जाता है, अगर आपके पास बहुत सारे गहने हैं, चांदी के बहुत सारे गहने, आप बहुत सारे गहने पहन रहे हैं, जैसे देख लीजिए जैसे मैंने पहना है, तो समझ जाइए मेरे पास, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं थोड़ा रईस हूँ, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो और जब एक लड़की की शादी होती है तो
वो एक घर छोड़ के दूसरे घर जा रही है, तो माँ बाप को होता है कि मेरी बेटी वहाँ जाएगी तो वो क्या करेगी। तो गहने होते हैं, गहने उसको पहनाए जाते हैं, वो सिर्फ उसको एक दुल्हन की तरह सुंदर दिखे इस मतलब से नहीं पहनाए जाते हैं। तुम इसे पहनो और जब अपने घर जाओ तो ये यही तुम्हारी पूंजी होगी। जब भी तुम्हें कुछ आवश्यकता हो इसे तुम पूंजी की तरह इसको इस्तेमाल करके अपने जब भी मुश्किलों के दिनों में तुम इसे इसका काम ले सकते हो। और अभी के ज़माने में देखा जाए तो बोल सकते हैं कि जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको अभी कोई उतनी रुचि नहीं रह गई है कि हम वो पुराने अपने ज़माने के पारंपरिक आभूषणों को पहने। अब उनको है कि फ्यूजन बोल सकते हैं, जैसे मॉडर्न और ओल्ड का मिक्सचर होता है, उसकी ओर लोग ज़्यादा खींचे चले जाते हैं। लेकिन उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि आप नए की ओर भाग रहे हैं, लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं अगर आप उसकी पकड़ बनाए नहीं रखेंगे, अपने जड़ों को छोड़ के उधर चले जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। फ्यूजन अच्छी है, अपनी जगह पे अच्छा चीज़ है, बट एक जो पुराना हमारा जो परंपरा है उसको अगर आप भूल जा रहे हैं तो आप फ्यूजन को क्रिएट कैसे करेंगे। उसको क्रिएट करने के लिए भी आपके पास एक ऑथेंटिक चीज़ होनी चाहिए। लेकिन आप जो संपूर्ण जो आभूषण है आप उसको एक किसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं कि इसी टाइम पहनोगे, तुम ही पहनोगे या ये पहनेगा इसी ओकेजन में पहनोगे, इस तरह का चीज़ नहीं होना चाहिए। सरहुल है, पहनेंगे, क्योंकि लोगों को दिखाना है। आपको खुद के लिए पहनना चाहिए, खुद को आपको गर्व होना चाहिए कि ये मेरे समाज का गहना है, आभूषण है, कपड़े हैं, तो मैं अपने लिए पहन रहा हूँ, ना किसी को दिखाने के लिए। तो एक शो की तरह सीमित रह गया है, आप उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं देखेंगे। कोई प्रोग्राम है, कोई कल्चरल प्रोग्राम है, आप वहाँ देखेंगे बस। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि आज पूरी दुनिया में आदिवासी कलाएं हैं, वो चाहे फैशन जगत में हो या कला जगत में हो, वो एक सभी को आकर्षित कर रही हैं और वो सभी को उनको एक नया महत्व दिया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये इसके माध्यम से एक नई चेतना अपनी कलाओं के प्रति उभरेगी और आदिवासी कला को, कलाकारों को नया अच्छा सम्मान मिलेगा और ये सारे लोग उसको अपनाएंगे, इसकी इज्जत करेंगे, इसका सम्मान करेंगे।